दोस्तों, आपने अपने जीवन में सात अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा और उनमें से कुछ कुछ को तो आपने देखा ही होगा। उन्हीं में से आता है पिरामिड। हम आपको उसी के बारे में आज बताने वाले हैं। मिस्र के पिरामिड, जहाँ के तत्कालीन फेरो सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफन किया जाता था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेषों वहाँ की गौरवगाथा कहते हैं। ये तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सकता। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 21वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 3 टनों के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीकी ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिकों ने इसकी सूक्ष्म समिति का पता नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही दूर। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के 4थे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया और इस बेहद परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड मरमज इवान हेडिंगन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन रुकिए, वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं होती। हम गीजा के महान पिरामिड के बारे में आपको बताने वाले हैं। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था। ऊपर का 10 मीटर अब गिर चुका है। इसका आधार करीब 54,000 या 55,000 मीटर का है। अनुमान है कि 3200 ईसा पूर्व इसे बनाया गया था। यह इसके बावजूद है कि उस समय की मिस्रियों की टेक्नोलॉजी शून्य के समान थी। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। और जानने की बात तो यह है कि गीजा के तीनों पिरामिडों की ऊपर के केंद्र बिंदु
ऊपर के तारों से मिलते हैं और मिस्र मेहजा पिरामिड बने हैं, वो धरती का मध्य केंद्र है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो